निकाला हुआ है और एक डब्बा अलग निकाला हुआ है, तो मंथली हमको लग रहा है 1 kg घी निकल ही जाता है 1 kg दूध से, मतलब पर डे 1 kg दूध आता है। और इसका हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केक का हजरी लाइफ। और आज का ब्लॉग होगा शुरू मेरे किचन से, केक का किचन से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा कि कल मुझे पकड़ था, अभी सुबह का नाश्ता तैयार हो रहा है, तो हम लोगों ने पटल भाजा है और करेला का सब्जी, जल्दी होगा सुबह सुबह खाने के लिए, इसकी वजह से बन गया। दोपहर में कुछ देखते हैं माँ क्या कहती है आज बनाने के लिए, मिलते थोड़े से देर बाद। तो जैसा कि हम लोग घी निकाले थे, मैंने बोला था कि घर पे कैसे घी निकालते, तो मैंने ऑलरेडी एक डब्बा निकाल के रखा हूँ, तो जो मैं आपको दिखाती हूँ एक गाय का घी है, तो इसकी वजह से इसका कलर येलो में आएगा, देख सकते हैं। तो इतना घी मैंने घर पे निकाला हुआ है और एक डब्बा अलग निकाला हुआ है, तो मंथली हमको लग रहा है 1 kg घी निकल ही जाता है 1 kg दूध से, मतलब पर डे 1 kg दूध आता है। और इसका ऊपर का जो ये होता है उसको निकाल के हम लोग रख लेते हैं, तो ये अब इसको हम लोग मिक्सी का यूज़ नहीं करना है, मटनी का यूज नहीं करना, सिर्फ चम्मच की हेल्प से इसको हम लोग ऐसे राउंड राउंड करके जो घुमाएंगे अपने आप घी छोड़ देगा। तो ये है होम मेड घी, घी थोड़ा सा इसको जैसा कि हम लोग का घी छूट गया, इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा पानी ऐड किया जिससे कि ये ऊपर आ जाए और दूध वाला हिस्सा अंदर आ जाए। ये देख सकते हैं हमारा घी निकल के हो गया तैयार, अब इसको हम किसी बर्तन में ले लेंगे। इसको इस बर्तन में निकालेंगे, दूर से खाइए थोड़ा सा। माथा लगेगा तो ये हमारा घी निकल के हो गया तैयार, अब इसको धीमी आंच पर चढ़ा देंगे, धीरे धीरे ये जल जाएगा, जलने के बाद इसका वेस्ट निकल जाएगा और जो घी रहेगा वो अलग हो जाएगा। घी हो गया हमारा घी तैयार, मतलब घी का मटेरियल तैयार, अब घी भी तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में। तू पी लो देख सकते हैं
घी बनने में अभी भी है कुछ टाइम, ऊपर आ गया है घी। इसको चलाने से नीचे जलता नहीं है, लगता नहीं है, तो पॉसिबल हो तो चलाइए, नहीं पॉसिबल हो तो ऐसे ही छोड़ देंगे धीमी आंच पे करके, तो धीरे धीरे घी अलग हो जाता है। बट हाँ, टाइम रहते इसको आके देख लीजिए, वरना पता चलेगा कि आग लग जाएगी। तो मैं इसलिए चलाती हूँ कि इसमें पकड़ ना लेंगे। तो ये घी हमारा ऊपर आ गया और वेस्ट जो चीज़ें हैं ये नीचे चली जाएंगी। तो ये जब रेड हो जाएगा, मतलब पूरा डार्क ब्राउन जो बोला जाए वैसे हो जाएगा, तो फिर इसको बंद कर देंगे हम लोग। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इसमें काफ़ी अमाउंट में घी रह जाता है। इसको अच्छे से पहले जला लेंगे हम लोग। जैसा कि मैंने बोला था, ये देख सकते हैं, ये वेस्ट इसका जल गया, घी निकल गया। तो अब इसको बंद कर देंगे, ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद से इसको जार में छान लेंगे। हो गया, अब थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब हम घी को छान लेंगे। जैसा कि देख सकते हैं, ये एक जार भर गया मेरा। और ये निकला वेस्ट, जो कि मैंने बोला था ये निकलेगा। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, बाउल लेंगे और इसे क्लीन कर देंगे। ये ठंडा हो गया, तो इसको आराम से बंद कर देंगे। तो एक जब कंप्लीट होता है मेरा घी। और अब हम लोग चलते हैं मटर का दाल बनाने, जो कि मैंने बोला है, तो उसके लिए मटर छुड़ा लेंगे हम लोग।